मध्य प्रदेश के बड़वाहा वनमंडल के बागोद सब रेंज में गश्ती के दौरान सुबह 5 बजे के आसपास पीपल झर से 6 मोटरसाइकिलों पर अवैध रूप से बांधकर लाई जा रही सागौन की 30 नग लकड़ियों को जब्त किया गया है, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए डिप्टी रेंजर कमल जोशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसके बाद में माल भी बरामद किया गया है, आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। डीएफओ साहब श्री चौहान साहब के मार्गदर्शन में निर्देशन में रात्रि गश्त का निर्देश प्राप्त हुआ था, उसी के तात्पर्य में बागोद सब रेंज ने रात्रि गश्त का प्रोग्राम बनाया और उसी के परिणाम स्वरूप ग्राम पीपल झर में 6 मोटरसाइकिल हमने लकड़ी सहित जब्त की है और एक मुलजिम को भी पकड़ा है। करीब 5 बजे सुबह सुबह वो अपराधी जो है मोटरसाइकिल से लकड़ी लेकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने जाते हैं और उसी की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी और इसी के परिणाम स्वरूप हमने डीएस देगवाल साहब और रेंजर साहब के मार्गदर्शन में ये पूरा प्लानिंग की और 6 मोटरसाइकिल जब्त की और एक मुलजिम जब्त पकड़ा और 30 नग जो थे लकड़ी के जोड़े वो भी जब्त किए।